डॉक्टर को तो पहले बात करने का तमीज नहीं है, तुम ताम करता है लोग, ये लोग बिल्कुल सही है। हम तो आपसे रिस्पेक्ट आप करके बात कर रहे हैं आपसे। हम बोले कि ठीक है मेरा हेलमेट नहीं है, आप मेरा चालान कट कर दीजिए। हम बोले कि कैश नहीं है, मेरे पास जो रिसिप्ट मिलता है आप दे दीजिए, हम चालान भर देंगे जाके। तो ये लोग वो भी सुविधा इनका नहीं है, बोल रहे फंसा देंगे तो फंसा देंगे। क्या फंसा दीजिएगा आप हमको, हम जब देने के लिए तैयार हैं। हम चोर थोड़ी जो आपसे डर जाएंगे। पुलिस का अधिकारी गया उनको क्यों नहीं किया, वो भी तो बाइक से गए हैं। रूल सबके लिए, मेरे लिए सेम है तो उनके लिए भी सेम होना चाहिए। उनको कॉल करके बोल रही है कि सर आप तो चले गए, आपका चालान बाकी रह गया। लोग तो पहले बात करने का तमीज नहीं है, तुम ताम करता है लोग, ये लोग बिल्कुल सही है। हम तो आपसे रिस्पेक्ट आप करके बात कर रहे हैं आपसे। हम आए, हम बोले कि ठीक है मेरा हेलमेट नहीं है, आप मेरा चालान कट कर दीजिए। हम बोले कि कैश नहीं है, मेरे पास जो रिसिप्ट मिलता है आप दे दीजिए, हम चालान भर देंगे जाके। तो ये लोग वो भी सुविधा इनका नहीं है। उसके बाद हमको उल्टा बोल रहे हैं फंसा देंगे तो फंसा देंगे। क्या फंसा दीजिएगा आप हमको, हम जब देने के लिए तैयार हैं। हम चोर थोड़ी जो आपसे डर जाएंगे। क्या होगा, कैश मेरे पास नहीं था। हम बोले कि आप ऑनलाइन वाला सिस्टम है तो दीजिए, नहीं तो बोलिए कि हम जाके हम वहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो बिल्कुल है, मेरा गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ गलती में अपना। आज दिन दुर्घटना हो रही है, बिल्कुल देखिए मैं अपना गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं भूल गया था हेलमेट लेना, बगल में मुझे जाना था भूल गया था, मैं गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ और उसके लिए चालान भरने के लिए भी रेडी हूँ। बट ये लोग जो इनका रूल है वो रूल के हिसाब से ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, ये लोग भी। अभी पुलिस का अधिकारी गया उनको क्यों नहीं किया, वो भी तो बाइक से गए हैं। रूल सबके लिए, मेरे लिए सेम है तो उनके लिए भी सेम होना चाहिए। उनको कॉल करके बोल रही है कि सर आप तो चले गए, आपका चालान बाकी रह गया। ये क्या रूल है फिर, चार आदमी कैसे छोड़ दिए ये लोग जाने दिए। देखिए मेरी ड्राइव पे चेकिंग हो रही है, चेकिंग होनी चाहिए, ये प्रशासन का अपना अपना दायित्व है। अपना प्रशासन काम कर रहा है, चेकिंग कर रहा है हेलमेट का। मेरा यहाँ चंद कदम पे घर है मेरा, हम आ ही रहे थे उधर से, हमारे मित्र की गाड़ी पकड़ी हुई थी लोग ने। अच्छी बात, उन्होंने चालान भी कटवा लिया है, चालान कट ली। चालान कटवाने से पहले हमने वहाँ पर गाड़ी लगाई थी, थोड़ी सी चार चक्का है गाड़ी लगाया था हमने। अब मैम जो कहती है गाड़ी भागे बढ़ाइए, हमने कहा मैम हम पूर्व मेयर है सुरेश कुमार, बोले यहाँ प्रतिष्ठित नागरिक है तो हम सब नहीं जानते हैं, सब चीज़ गाड़ी आगे बढ़ाइए। इसी पर टाउन थाना प्रभारी को भी फ़ोन किया, DSP साहब को फ़ोन किया हमने, वो लोग भी कहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है बात को। और यही मैटर था हमारा, क्योंकि चेकिंग चल रहा है, चेकिंग होनी चाहिए, यह अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रशासन और हम जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे मिसबिहेव, 10 कदम घर है यहाँ पर जितने लोग हैं। ठीक है, चेकिंग होनी चाहिए, हम तो आज भी कर रहे हैं, चालान कटना चाहिए। हेलमेट तो जरूरी है, हेलमेट जरूरी है, हम तो आज भी कर रहे हैं, जरूरी है, जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए चेकिंग हो रही है तो क्या गलत है ये? गलत हम कहाँ कर रहे हैं, हम गलत कहीं से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जनप्रतिनिधि है। एक बार हम रिक्वेस्ट किए मैडम से तो हमको गाड़ी कहती आगे गाड़ियाँ बढ़ाइए आप। उसके बाद मैंने टाउन थाना प्रभारी को फ़ोन किया, DSP साहब को फ़ोन किया, तब परिचय देने के बाद मैंने परिचय भी दिया तो कहती आप कौन हैं। उसके बाद सर लोग फ़ोन किए वहाँ से कि हम बात करते हैं, मैं तभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई चीज़ की बात नहीं है। हमारा कहना था कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि का भी हम कभी मैंने पहले ही कहा है इनको चालान कटवाइए, मैंने कोई ये किसी को नहीं कहा कि चालान आप नहीं करवाइए, सब लोग मैं चालान कटवाइए आप। लेकिन मेरा कहना था रिस्पेक्टेबल आदमी है तो आप बात करनी चाहिए थोड़ी से, यही मेरा कहना है। और सब यहाँ शहर के मोहल्ले के लड़का लोग यहाँ पर है, सब लोग हैं, सब लोग अपना जा रहा आ रहा है। अब बहुत लोग हम देख रहे हैं कैसे भी बहुत लोग, अब देखिए एक सिपाही से झगड़ा हो गया है। हाँ, हमको कहती है कि आपको बोले तमीज नहीं है। भाई हम ऐसे भी जनता का भी सेवक है, और हम आज से रिकॉर्ड नहीं है कि हम किसी से मिसबिहेव किए हों, समझ में नहीं आता है।
चलिए कोई बात नहीं है।